नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए चातुर्मास की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। भगवत पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार किसी गांव में एक महिला अपने पुत्र के साथ रहती थी। अपना वह अपने पुत्र का पेट पालने के लिए वह एक ब्राह्मण के घर चूल्हे चौके का काम करती थी। अपने पुत्र को वो हमेशा अपने साथ रखती थी। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का भक्त था और साधु संतों की सेवा किया करता था। एक समय की बात है, कुछ साधु संत ब्राह्मण के निवास पर पहुँचे और ब्राह्मण से कहने लगे, वर्षा काल का समय शुरू हो गया है। इन 4 महीनों में हम तुम्हारे घर रहकर चातुर्मास व्रत करना चाहते हैं। क्या तुम हमारे भोजन पानी की व्यवस्था कर दोगे? यह सुन ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, प्रभु ये तो सौभाग्य की बात है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। वह साधु उस ब्राह्मण के घर में रहकर चातुर्मास व्रत करने लगे। वह दासी उन साधुओं के लिए भोजन बनाती, चौका बर्तन करती और उसका पुत्र उन संतों की सेवा में सदा उपस्थित रहता था। भोजन के बाद जब साधु बैठकर भगवत चर्चा करते तो वह दासी पुत्र ध्यान पूर्वक उनकी बातें सुनता था और भगवान की कथाओं को सुनने में उसे बड़ा आनंद आता था। शीघ्र ही उसका साधु महात्माओं से विशेष प्रेम हो गया। अब जब भी साधु संत भोजन करने बैठते तो अपने भोजन में से कुछ भोजन उसको दे देते। वह बड़े ही प्रेम पूर्वक उस भोजन को ग्रहण करता। ऐसे ही साधु संतों की सेवा करते, भगवत कथा का श्रवण करते हुए 4 मास का समय पूरा हो गया। चातुर्मास पूरा होने पर संतों ने ब्राह्मण का धन्यवाद करते हुए वहां से चलने का निर्णय लिया। जैसे ही वह संत वहां से चलने लगे तो वो दासी पुत्र रोने लगा और उनके साथ जाने की जिद करने लगा। तब उन्होंने उसे समझाया और कहा, पुत्र तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है। हम तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप 12 अक्षरों का यह महामंत्र दे रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम नित्य प्रति इसका जाप किया करो। ऐसा कहकर वो साधु वहां से चले गए और बालक अपनी माता के साथ रहते हुए मंत्र का जाप करने लगा। साधुओं के सत्संग, आशीर्वाद स्वरूप मिले मंत्र और चातुर्मास में साधुओं की झूठन खाने से बालक को ज्ञान की प्राप्ति हुई और परमात्मा को पाने की चाह उसके मन में दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। परंतु वह अपनी माता को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। माँ के साथ रहते हुए वह मंत्र साधना में लगा रहा। एक दिन संयोगवश उसकी माता की सांप के डसने से मृत्यु हो गई। बालक अपनी माता को मृत देखकर अत्यंत विलाप करने लगा, लेकिन शीघ्र ही उसे एहसास हुआ कि शायद भगवान ने उसकी माँ को उससे दूर करके सांसारिक बंधनों से उसे मुक्त कर दिया है। ऐसा सोचकर उसने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया और स्वयं प्रभु भक्ति के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर साधुओं द्वारा दिए गए मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वह जाप करने लगा। एक दिन जब वह मंत्र साधना कर रहा था तो उसे एक अलौकिक
तेज के दर्शन हुए, जिसमें साक्षात श्री हरि दिखाई दे रहे थे। उन्होंने उस बालक को आशीर्वाद दिया कि मेरे प्रिय चातुर्मास में तुमने साधु संतों की सेवा करी, मेरा जप करा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो मुझसे मांग लो। वह बालक बोला, हे प्रभु, मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि आपके इस अलौकिक तेज के दर्शन मैं हमेशा करता रहूं। मेरी आँखों के आगे से आपका यह स्वरूप कभी ओझल ना हो। मैं जब चाहूं आपके पास पहुंच जाऊं, मुझे कोई रोक ना सके। तब श्री हरि विष्णु ने कहा, पुत्र, तुम इसी तरह मेरी भक्ति में लगे रहो, मेरा नाम जप कर मेरा सुमिरन करो। जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा, उस समय तुम मेरे दर्शन हमेशा करोगे। जब चाहोगे मुझे देख पाओगे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें तुम्हारे इस जन्म का स्मरण बना रहेगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह बालक प्रभु भक्ति में लग गया। प्रभु भजन करता हुआ वह दिन रात अपने देह से छुटकारा पाने और अगले जन्म में भगवान को पाने के बारे में सोचता रहता। इस प्रकार की इच्छा करते करते श्री हरि की कृपा से बालक की मृत्यु हो गई और अगले जन्म में दक्ष प्रजापति के अंगूठे से उत्पन्न होकर उसने नारद मुनि का जन्म पाया। प्रभु कृपा से उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। तीनों लोकों में नारद जी को ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है कि वह कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। जब उनका मन हो नारायण नारायण करते हुए हरि दर्शन को पहुंच जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों, चातुर्मास में साधु संतों की सेवा करने के प्रभाव से एक बालक को ब्रह्मा जी का पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। साथ ही साथ आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु।